पुत्री, भगवान पार्श्वनाथ जी को प्रणाम करो। माता जी, मैं आपके तथा पिताजी के साथ अनेकों मंदिर गई हूँ, किंतु किसी भगवान जी के शीश पर यूं ना खड़ा नहीं देखा। पुत्री, ऐसा नहीं कहती। जानती हो, ये नागों के देव धर्मेंद्र जी हैं और इनकी पत्नी का नाम देवी पद्मावती है। माता जी, नाग नागिन देव देवी कैसे बन गए, बताइए ना। जानना चाहती हो तो चलो, आज ये कथा हम गुरुजी से सुनते हैं। आओ। श्री पार्श्वनाथाय नमः, पद्मावती माताय नमः, धर्मेन्द्र सहिताय नमः। जय भारत, जय भारत, जय भारत। पार्श्वनाथ के जीवन की एक झलक दिखाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। प्राणी मात्र के हितकारी को शीश झुकाते हैं, हम प्राणी मात्र के हितकारी को शीश झुकाते हैं। जो पारस पारस गाते हैं, जो पारस पारस गाते हैं, पारस मन के स्पर्श से वो कुंदन बन जाते हैं, पारस मन के स्पर्श से वो कुंदन बन जाते हैं। नाथ को शीश झुकाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। काशी, जिसे तीनों लोकों से न्यारी कहते हैं, जहाँ सदाशिव स्वयं रहते हैं, पार्श्वनाथ में उसी भूमि की ज्योति है, उनकी कथा वहीं से आरंभ होती है। काशी की पावन धरती को पावनतम करने तीर्थंकर बन प्रकट हुए, दुख जन जन का हरने, जन्म पर त्रिजग प्रसन्न हुए। अश्वसेन बामा देवी सुतपा संपन्न हुए, जन्म पर सुरपति आते हैं, जन्म पर सुरपति आते हैं। कर प्रभु का अभिषेक मुदित मन मंगल गाते हैं, कर प्रभु का अभिषेक मुदित मन मंगल गाते हैं। नाथ को शीश झुकाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। एक दिन का वृतांत है। पार्श्व कुमार वहाँ पहुँचे, जहाँ एक हठी साधु धुनी रमाए अग्नि जलाए बैठा था। प्रभु ने अवध ज्ञान से जान लिया, उस अग्नि में नाग और नागिन का जीवित जोड़ा जल रहा है। जलते नाग और नागिन पर प्रभु ने उपकार किया, नमोकार महामंत्र सुनाकर उनको तार दिया। परम गति दोनों ने पाई, नाग हुआ धर्मेंद्र तो नागिन पद्मावती माई। शास्त्र यह तथ्य बताते हैं, शास्त्र यह तथ्य बताते हैं। नमोकार सुनकर भी प्राणी सद्गति पाते हैं, नमोकार सुनकर भी प्राणी सद्गति पाते हैं। नाथ को शीश झुकाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। वह साधु जिसकी अग्नि में जलकर नाग और नागिन ने प्राण त्यागे, वही कालांतर में कमठ बना। तब करते हुए पार्श्वनाथ पर भीषण उपसर्ग करने लगा, चलाने लगा प्रलयंकारी आंधी, भयंकर वृष्टि के साथ गिराने लगा भारी भारी शिलाएं। पार्श्वनाथ का जो उपकार था नाग और नागिन पर, पद्मावती धर्मेंद्र चुकाने लगे वो ऋण मिलकर, के दोनों ने सहयोग किया। एक ने आसन दिया, एक ने संकट शीश दिया, गांव
लगाते हैं, दाव प्राणों का लगाते हैं। कभी कभी भक्त भी काम भगवान के आते हैं। उन्हें हम शीश झुकाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। उपसर्ग मिटते ही प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, संवेद शिखर से निर्वाण प्राप्त हुआ, किंतु मोक्ष जाकर भी नागों का उपकार न भूले। भक्त परायण ने भक्तों से स्नेह निभाया है, नाग चिन्ह को ही अपनी पहचान बनाया है। कथा ये सीख सिखाती है, जीव दया की रीति परस्पर प्रीति बढ़ाती है। पाश पर भक्ति जलाते हैं, उन्हें अंतर में बसाते हैं। पद्मावती धरणेन्द्र की रक्षा को आते हैं। पाश पर भक्ति जलाते हैं, उन्हें अंतर में बसाते हैं। पद्मावती धरणेन्द्र की रक्षा को आते हैं।